और अभी फिलहाल अगर भाजपा पार्टी की बात करें तो आप उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, अगर आप ही के परिवार से सामने अनिरुद्ध चौधरी जी आते हैं तो मुकाबला कैसा बनेगा और क्या देखते हैं? कोई ना कोई विरोधी तो सामने आएगा, तो जो भी आएगा वो विरोधी आएगा, कोई कहते हैं वो हमारा चाहने वाला तो आएगा नहीं, है ना। तो विरोधियों को आने दो, उनके लिए हम तैयार। हमेशा चौधरी बंसीलाल जी के का पूरी तरह से विरोध करा है, सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, तो आज हमारे सामने भी अगर कोई आएगा तो ये तो उनकी पुरानी परंपरा है। जो इनके पिताजी हैं वो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है उनकी जो है जमानत जब्त हुई थी। तो नमस्कार, फिलहाल तोसाम हल्के के अंदर मौजूद हूं और मैडम किरण चौधरी राज्यसभा में सांसद चुनी गई हैं और यहां पे अपनी बेटी श्रुति चौधरी को भी टिकट दे दी गई है बीजेपी पार्टी से। और आज तोसाम हल्के के अंदर जो डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहे हैं उसी को लेकर के यहां पे मिल के अंदर आए हुए, उनसे बातचीत करते हैं मैडम को कि दोगुना प्यार जो है वो मिल रहा है क्योंकि मैडम राज्यसभा सांसद चुन ली गई है और अब श्रुति चौधरी को विधायक बनाने के लिए जो लोगों का प्यार मिल रहा है वो कैसा जन समर्थन मिल रहा है, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनका कहना होगा। मैडम से बातचीत करते हैं। आज नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हाँ जी, पहले तो बधाई हो राज्यसभा सांसद बनने के लिए। ये धन्यवाद आपका। तो क्या कहना चाहेंगे, आप राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं, अब बेटी जो है विधायक के लिए दावेदारी है, हर लोकल हल्के के अंदर क्या कुछ माहौल बन रहा है, वो कैसा प्यार मिल रहा है? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, खट्टर जी को और पूरा शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है नेशनल लेवल के ऊपर जो है राज्यसभा में ले जाकर, और आने वाले समय में जिस तरह से मैंने अपने इलाके का नेतृत्व करा तो शाम हल्के ने बहुत मान सम्मान दिया, चार बारी बैक टू बैक मेरे को जिताया। तो अब जो है हल्के की समस्या हो या हरियाणा की समस्याएं हो या जो है नेशनल लेवल के ऊपर हिंदुस्तान का जो है समस्याएं हैं उनको मैं उठाऊंगी, पुरजोर तरीके से उठाऊंगी। और जो संकल्प है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का 2044 का, उस संकल्प को पूरा करने में पूरा अपना योगदान दूंगी। हल्के की राजनीति आपने खूब की है, 20 से 50 सालों का इतिहास आपके रहा है, हल्के की राजनीति से उठकर आप ऊपर सेंटर लेवल की राजनीति करने जा रही हैं, बेटी को यहाँ हल्के संभाल के जा रहे हैं, कैसा बेटी के लिए यहाँ का माहौल रहेगा? ओके, ये अदला बदला हो रहा है। श्रुति पहले पार्लियामेंट में थी, अब ये यहाँ पर आ गई है, मैं पार्लियामेंट में चली गई हूँ, तो ये जो है ये एक बहुत अच्छा मुझे अवसर दिया गया है कि मैं नेशनल लेवल के ऊपर जो मुझे लेकर आए हैं, तो इससे तो बहुत बड़ी जो है इतना ज़बरदस्त तरीके का इसका तो जो है ना एक्सपोजर होता है कि वो अपने इलाके के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। नमस्कार। नमस्कार जी। हल्के के अंदर जा रहे हैं, लोगों के बीच में कैसा प्यार मिल रहा है, विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी बगावतें भी शुरू हो चुकी हैं टिकट ना मिलने के कारण, कैसा माहौल है? हल्के में सदैव रहे हैं और काम किया है, मैं सांसद रह चुकी हूँ और गांव गांव में मेरे टाइम पे काम हुआ है, चाहे वो एमपी लैड का हो, चाहे सेंट्रल स्कीम्स का हो, और नाबार्ड से बहुत पैसा सेंट्रल तरीके से यहाँ पे लाए थे और किरण जी ने उस पैसे का उपयोग करके पेयजल का काम, पीने के पानी का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गांव गांव में और तो शाम में भी। इस प्रकार से बहुत भिवानी में भी बड़े बड़े काम वहाँ पे करे, जैसे जो मेडिकल कॉलेज है वो उसकी घोषणा करवाई थी, ये अलग बात है कि वो अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता बन रहा है, लेकिन ये सारे के सारे काम मेरे टाइम के हैं तो लोग जानते हैं इन बातों को। चौधरी बंसी लाल जी ने हमेशा यहाँ पे बहुत, सब जानते हैं इतिहास सारा और आगे उसी तरीके से काम करेंगे। चौधरी बंसी लाल जी का नाम अगर आगे करा है तो वो श्रुति चौधरी ने करा है, चौधरी बंसी लाल जी की यूनिवर्सिटी लेकर आई, सारा का सारा आपका मेडिकल कॉलेज है जो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो हैं जो सांसद होने के नाते जो काम होना चाहिए वो श्रुति ने कराया, पेयजल का काम करवाया, सीवर का काम करवाया, तो ये जगह जगह पर जो है ये पूरा तो शाम में ही नहीं पूरे भिवानी जिले के अंदर, दादरी जिले के अंदर, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर इसने बहुत अभूतपूर्व काम करे थे। प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप लोकसभा की राजनीति कर चुके हैं, आप एमपी बन चुके हैं, आप सांसद बन चुके हैं, पूरा हरियाणा जानता है, लेकिन एमपी की सीट के बाद आप एमएलए की सीट के ऊपर आ रहे हैं, इसका तो ये तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का, खासतौर पे मनोहर लाल जी का जिन्होंने मौका दिया। और ये जो सीट है यहाँ पे एक बहुत गर्व होता है महसूस, क्योंकि चौधरी बंसी लाल की सीट रही है, सुरेंद्र सिंह जी की सीट रही है, किरण जी ने यहाँ पे बहुत बढ़ चढ़ के काम किया है, जुबान जुबान पे ये बात है, विरोधी के जुबान पे भी ये बात होती है कि काम में कोई मुकाबला नहीं है, उसी तरीके से मुझे मौका दिया है
उसी परंपरा को, उसी विकास और प्रगति की परंपरा को बढ़ाने का काम करेंगे। अब की बार अब की चुनाव के अंदर, क्योंकि जैसे ही मैडम किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गई हैं, तो कांग्रेस के अंदर बहुत सारे दावेदारी ठोक रहे हैं, और अभी फिलहाल अगर भाजपा पार्टी की बात करें तो आप उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी से, अगर आप ही के परिवार से सामने अनिरुद्ध चौधरी जी आते हैं तो मुकाबला कैसा बनेगा और क्या देखते हैं, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी का परिवार आमने सामने रहेगा? इसका मैं जवाब दे दूं तो अच्छा रहेगा। देखो, कोई ना कोई विरोधी तो सामने आएगा, तो जो भी आएगा वो विरोधी आएगा, कोई कहते हैं वो हमारा चाहने वाला तो आएगा नहीं, है ना। तो विरोधियों को आने दो, उनके लिए हम तैयार हैं, जनता तैयार है। हम यहाँ पर खोखले ढकोसले लेकर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर हक से आते हैं, क्योंकि हमने काम करा है। ये इलाका चौधरी बंसीलाल जी का रहा है, और उसके बाद सुरेंद्र सिंह जी का रहा है, और सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे यहाँ से लड़वाया। किसी और को भी लड़वा सकते थे, उनके बेटे और भी थे, उनको भी लड़वा सकते थे, लेकिन उनको मालूम था, शुरू से वो जानते थे कि उन्होंने तो हमेशा चौधरी बंसीलाल जी के का पूरी तरह से विरोध करा है, सुरेंद्र सिंह जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं। तो आज हमारे सामने भी अगर कोई आएगा तो ये तो इनकी पुरानी परंपरा है, और जो इनके पिताजी हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है उनकी जो है जमानत जब्त हुई थी, तो शायद उससे उनको सबक नहीं मिला। तो अभी तस्वीरों के माध्यम से मैडम ने बातों ही बातों के अंदर जवाब दिया है कि ये तो हमेशा से चलता रहा है, और पहले के चुनाव के अंदर जो है वो भी चीजें रही हैं, और हर बात का सटीकता से जवाब दिया है कि पहले के चुनाव भी होते रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है कि अगर अनिरुद्ध चौधरी सामने मैदान के अंदर आते हैं, इससे पहले उनके पिताजी भी ऐसे ही सामने चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन जमानत जब्त होने का जो काम किया है वो पहले भी हुआ है। तो मैडम किरण चौधरी को सुना आपने, श्रुति चौधरी को सुना, उन बातों ही बातों के अंदर बताया कि पिछला जो इलाका रहा है चौधरी बंसीलाल जी का इलाका रहा है, और उसके बाद सदैव हाथ जो है वो किरण चौधरी जी, बताया कि किरण चौधरी जब मैदान के अंदर आई थी उसके बाद लगातार 4 बार यहां से विधायक बन चुकी हैं, अब राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं, और बेटी को जो है वो तो शाम हल्का सौंप के जा रही हैं, और बेटी आने वाले चुनाव के अंदर पता चलेगा कि लोग क्या चाहते हैं, और 8 तारीख को हरियाणा के अंदर रिजल्ट आ जाएगा 8 अक्टूबर को, तो वो परिणाम आपके सामने होंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।